स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम ऑन योर चैनल ग्रो टुगेदर। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द आईपीमेट इंदौर 2022 एग्जाम। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस साल 2022 में एग्जाम दिया है एंड जो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज दे विल गेट द आइडिया कि आपका कट ऑफ कितना जाता है फॉर द डिफरेंट कैटेगरी। एंड इन दिस वीडियो आई विल आल्सो डिस्कस कि आपका जो आईपीमेट 2022 में एग्जाम पैटर्न क्या था, क्या क्या चेंजेस रहे इस बार, एंड आपका जो लेवल था वो 2021 से या पास्ट ईयर से कैसे डिफरेंट था। सो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहे आपने एग्जाम दिया है या फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों को ही आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है एंड तक। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले बच्चे, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके लिए आईपी मेट के लिए काफी सारी वीडियोस यहाँ पे आती रहती है और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड, ठीक है। और आपके जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज मैं लेके आने वाली हूँ। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कट ऑफ का डिस्कशन करने से पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस कि आपका जो 2022 का एग्जाम पैटर्न था वो क्या रहा, क्या क्या मेजर चेंजेस थे। बच्चे सबसे पहले तो आईपी मेट इंदौर आपका सिर्फ एक एग्जाम नहीं था। मैम तो क्या ये डिफरेंट एग्जाम था? बच्चे एक एग्जाम देने के बाद आप सिक्स टॉप इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम इन द आईपीएम कैटेगरी बिकॉज अगर आप आईपीएम रोहतक देते हो तो आप दो इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, ठीक है। अगर आप जिप मैट देते हो तो वहां पे आईएम बोध गया है, जम्मू है एंड वहां पे आपका नालसार है। उसके बाद अगर आप आईपीएम कैटेगरी में देखो तो आईपी मेट इंदौर जो है वो आपका आईएम इंदौर तो एक्सेप्ट करता ही है उसका स्कोर, आईएम रांची, आईएफटी काकीनाडा, नालसा, टैपमी और निरमा, ये आपके सिक्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जो आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट टैपमी, क्योंकि टैपमी में बीबीए ऑनर्स का प्रोग्राम है 4 ईयर डिग्री। मैंने उस पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देखना। दिस इज अ वंडरफुल प्रोग्राम विच इज स्टार्टेड बाय द टैपमी, ठीक है। तो छह डिफरेंट इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल रहा है। तो अगर आप आईपी मेट इंदौर के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीरियस होकर प्रिपरेशन करो क्योंकि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब नेक्स्ट थिंग, आईपी मेट इंदौर में 2022 का जो एग्जाम पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हुआ बिकॉज आपके पास 2018 और 19 में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20 एंड 21 बिकॉज वहां पे पैटर्न चेंज हुआ था ड्यू टू कोरोना वायरस, बट इन दिस ईयर दे आस्क टोटल 90 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल आपके पास में 90 क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ मतलब 90 क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर्स आपके पास में 15 क्वेश्चंस थे इंस्टेड ऑफ 20, एमसीक्यू क्यूए एमसीक्यू में आपके पास 30 क्वेश्चंस थे एंड वर्बल एबिलिटी में आपके पास में 45 क्वेश्चंस थे। तो वर्बल एबिलिटी में क्वेश्चन इंक्रीज हुए, 5 क्वेश्चंस इंक्रीज हुए। एमसीक्यू क्यूए एमसीक्यू में आपके पास 10 क्वेश्चंस डिक्रीज क्योंकि जनरली 40 क्वेश्चंस का पैटर्न रहता था, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स में जनरली 20 क्वेश्चंस रहते थे, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस। तो ये आपके पास में मेजर चेंज था, 90 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए। पर एक सेक्शन आपके पास 40 मिनट्स 40 मिनट्स एंड 40 मिनट्स का ही सेक्शन था। दूसरा मेजर अपडेट बच्चे जो आईपी में इंदौर ने आपके साथ किया, जब हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करो क्योंकि हो सकता है वहां पे कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हो, ठीक है। बिकॉज हम लोग प्रिपरेशन करके जाते हैं, हम लोगों ने मॉक दिए, उस बेसिस पे आप एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर रीड कर लीजिए। तो इंस्ट्रक्शंस में ये मेंशन था कि देर आर टोटल 20 शॉर्ट आंसर्स, 20 ऐसे या 20 टाइप टीटा क्वेश्चन है आपके पास में, लेकिन 20 में ये ब्रेकअप नहीं दिया हुआ था कि 15 क्वेश्चंस क्यूए में होंगे एंड 5 क्वेश्चंस आपके पास वर्बल एबिलिटी में होंगे। तो सेकंड मेजर चेंजेस था आपके पास में कि 20 क्वेश्चंस आपके पास टीटा एंट्री के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें से 15 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स एंड 5 क्वेश्चंस आपके पास वर्बल एबिलिटी, सेकंड चेंज। थर्ड क्वेश्चन ये चेंज था कि शॉर्ट आंसर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जनरली हमें ऐसा रहता है कि जो टीटा क्वेश्चंस होते हैं वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन वर्बल एबिलिटी में आपके पास जो टीटा क्वेश्चंस थे वर्बल एबिलिटी में टाइपिंग आंसर जो आपको टाइप करना था उसमें नेगेटिव मार्किंग था। वहां पे ऊपर जो स्क्रीन रहता है उस पर लिखा हुआ था, शॉर्ट आंसर्स में सब में +4 -0 +4 -0 था, लेकिन जो टीटा क्वेश्चन थे अगर स्टूडेंट्स ने गलती कर दी है तो यहाँ पे बड़ी मिस्टेक थी। आप लोग ऊपर टाइमर जरूर देख लिया करो, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी में आपका नेगेटिव मार्किंग था, 40 मिनट्स पर सेक्शन था, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस थे यहाँ पे।
अगर हम लेवल की बात करें तो शॉर्ट आंसर्स का लेवल जो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, क्योंकि एक बार जब आंसर की रिलीज हो जाएगी, और या फिर एक बार वो जब अपना पेपर जो है वो रिलीज हो जाएगा, हम लोग देख के बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर से कैसा था. बट एज पर द स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन, मतलब जो उन्होंने बोला है, पेपर वॉज द मॉडरेट, जो आपके शॉर्ट आंसर थे वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन जो एमसीक्यू सेक्शन था वो आपका मॉडरेट टू टफ था. वर्बल एबिलिटी जनरली इजी टू मॉडरेट, ठीक है. तो यहाँ पे चेंज दिस ईयर क्या है, 15 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस और यहाँ पे 45 क्वेश्चंस. तो बच्चे जो आपके पेपर का एक्चुअल एनालिसिस है, हम लोग उसे करेंगे जब एक बार या तो सारे क्वेश्चंस अभी मिल जाएंगे. मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं वर्बल एबिलिटी में भी, एमसीक्यू में भी, शॉर्ट आंसर्स में भी, मेमोरी बेस्ड. बट आई एम वेटिंग कि अगर वो ऑफिशियल नोटिफिक ऑफिशियल जो आपकी आंसर की अगर वो देंगे, तो वहां से मैं पूरा एग्जैक्ट पेपर पता चल जाएगा, तो वहां पे मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगी. हमारे पास में मेजर चेंजेस मैंने डिस्कस किए. अब मैं एक बार आईपी में इंदौर की 2022 की कट ऑफ, देखो कट ऑफ अभी एक एक्सपेक्टेड का कट ऑफ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. आप ये बस सोचना इट कैन बी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसा मत सोचना मैम ने इतना बताया था तो इतना ही होना चाहिए. बस ये एक्सपेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, लाइक जो ट्रेंड रहा है 18, 19, 20, 21, जो आपका ट्रेंड रहा है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ सोची है. तो यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट आंसर्स की बात करें, तो बच्चे जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड है कि 17 to 20 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है. EWS कैटेगरी में 11 to 12 और OBC में भी 11 to 12, PWD कैटेगरी में 4 to 5, SC कैटेगरी में 8 to 9 एंड ST कैटेगरी में आपका 4 to 5. अगर हम लोग QA MCQ की बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए 25 to 28, EWS के लिए 15 to 17, OBC कैटेगरी के लिए 13 to 15, PWD कैटेगरी के लिए 6 to 7, SC कैटेगरी के लिए 9 to 11 और ST कैटेगरी के लिए 5 to 6. अगर हम लोग यहाँ पे वर्बल एबिलिटी की बात करें, तो वर्बल एबिलिटी में हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो होगी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 85 to 88, EWS के लिए 55 to 60, OBC के लिए 52 से लेके 55 तक जा सकता है, PWD के लिए 24 to 26, SC कैटेगरी 30 to 35 एंड 25 to 28 फॉर द ST कैटेगरी. अब बच्चे ये तो होती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ. अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, क्योंकि सेफ स्कोर आपको कट ऑफ पे कॉल आ जाएगा, लेकिन कन्वर्ट करना, बिकॉज वो हमेशा ज्यादा स्टूडेंट्स बुलाते हैं तो वहां पे आपको बीट करना है. तो मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूं, फॉर द जनरल कैटेगरी 170+, EWS कैटेगरी 155+, यहाँ पे आपका OBC कैटेगरी के लिए 150+, और अगर हम PWD कैटेगरी के लिए बात करें तो 90+, SC कैटेगरी के लिए 115+ और ST कैटेगरी के लिए 95+. तो एज यू नो कि इस बार आपका 360 मार्क्स का पेपर था, बिकॉज देर वर टोटल 90 क्वेश्चंस इनटू 4, तो टोटल आपके पास में 360 मार्क्स का पेपर था, ठीक है. तो जब एक बार आंसर की अगर रिलीज करते हैं, तो आई विल डिस्कस द होल पेपर इन द डिटेल. और अगर आंसर की रिलीज भी नहीं होती है, तो भी मेरे पास में जब तक सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आई गैदर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स एंड देन आई विल डिस्कस इन द इन 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 डिटेल्स की, लाइक आप शॉर्ट वे में कैसे कर सकते थे, ये क्वेश्चन किस वे में पूछा गया, ठीक है. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और थी इस बार, QA में आपका एक लॉजिक बेस्ड DI का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है. तो आप लोग अगर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा CAT टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग, जो DILR के सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनकी भी प्रैक्टिस आप लोग स्टार्ट कर दीजिए. सो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर द IP मेट इंदौर 2022 एग्जाम. आई डिस्कस द ऑल द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड द मेजर चेंजेस. सो रेडी फॉर द सरप्राइजेस फॉर एवरी ईयर. बट आपका जो देखो पैटर्न चेंज हो सकता है, बट जो सिलेबस होता है वो समहाउ सेम रहता है. आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपके मेंटोर आपको गाइड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्लक्चुएट, ठीक है, इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपका जो पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है समहाउ, ठीक है. चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस मिलते हैं. तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक